कैप्टन सरकार दा पिछले काफी समय तो माड़ा समा चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई कैप्टन साहब जां उन्हां दे वजीरां खिलाफ मोर्चा खोल ही लैंदे ने। कदे आम लोग, कदे उन्हां दे ही लीडर, कदे मुलाजम अते कदे विरोधी। कैप्टन साहब अते कैप्टन साहब दे कुछ लीडरां ते तलवार बन लटकदे रहिंदे ने। पहला बीज अते शराब घोटाले च सुखजिंदर रंधावा ते कई गंभीर इल्जाम लगे सी। अते हुण कैप्टन दा एक होर वजीर विवादां च घिर चुका है। जी हाँ, मिलियां मीडिया रिपोर्टां मुताबिक आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ते इल्जाम लाए ने कि बठिंडा, मोगा, जलंधर, जम्मू नूं जोड़न वाले नैशनल हाईवे 105B ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ कमल समेत होर कांग्रेसी लीडर अफसर से हाई प्रोफाइल लैंड माफिया ने अंजाम दिता है। बठिंडा से जो मोगा सॉरी अमृतसर, बठिंडा से जो अमृतसर जाने वाली रोड है, जो मेन हाईवे है, उसको जोड़ने के लिए जो रोड है 105B रोड आ जी के अमृतसर से बठिंडा मेन हाईवे इलाका धर्मकोट, इलाका मोगा, इलाका रामपुरे फूल ना जोड़ दिया, वो रोड आ गई। बिल्कुल नैशनल हाईवे के अंडर आता गा, पर लेकिन यदि जिम्मेवारी जी होंगी वो पंजाब सरकार की होंगी। पंजाब सरकार ने जमीन अक्वायर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देनी होंगी। बिल्कुल, असी सब तो पहला तो यह देखांगे कि कैप्टन साहब ये कोई एक्शन लेंदे ने या नहीं लेंदे। उस तो बाद बिल्कुल साडा जो कानूनी सहला, क्योंकि हुण लॉकडाउन लग्या कर जिहड़ा हैगा उस गल करके असी ग्राउंड ते जिहड़ा धरने उस तरीके दे नहीं हो सकते, पर लेकिन ये असं जो है कानूनी एक्शन भी लवेंगे। बिल्कुल अज ही साडा रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा सारा तो ये जिहड़ियां नवंबर, एक जिहड़ी होर मेरी मंग आ कि नवंबर तो बाद जिहड़ियां रजिस्ट्रियां होईयां नेगियां उह सारियां तुरंत रद्द कीतियां जाण, और जिन्हां ने भी रजिस्ट्रियां करवाईयां नेगियां उन्हां सारियां दा मुआवजा तुरंत रोकिया जाए, कि जेकर उह लोक मुआवजा लै गए तां जिहड़े असली मुआवजा लैण दे हकदार ने उह लोक वांझे रह जाणगे। देखो ये जांच का विषय गा कि कड़े व्यक्ति इनवॉल्व ने, पर लेकिन मुढ़ले रूप के सामने आईया ने, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सरकार दे सरकार तो डरते मारे बाहर नहीं आ रहे, और क्योंकि उत्थे एडा वड्डा आतंक है, एडा वड्डा इन लोगों का माफिए का जोड़ा है जाल बिछया होया कि लोग सामने नहीं आ रहे। ये जो जांच होगी तो बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त मित्र जिन्हें कनैक्शन मंत्री साहबान, जिसका कनैक्शन मैं समझदा गा MLA साहबान जुड़ता, वो सामने आएंगे। सो इस गल करके एक होर नवी जी गल आ कि सारे जो लैण देन भी बैंक कि एक्सिस बैंक अजीतवाल, एक्सिस बैंक अजीतवाल खाता खिलाया गया, सारी पेमेंट यानी एक बैंक छोड़ी भी प्राइवेट बैंक, यह भी इस गल का संकेत है कि बहुत बड़ा कपड़ा होगा। ये जमीन जी मेजरमेंट तो है नहीं, पर लेकिन बहुत चंक ऑफ लैंड आ जी 300 जी पैसे इनवॉल्व ने, कंपनसेशन इनवॉल्व आ लगभग 360 करोड़ तो उपर का जोड़ा पैसे इनवॉल्व ने, जोड़े किसानों जोड़े मालक ने ज छोटे कोई दुकानदार आनवॉल्व 360 करोड़ तो वाद का जोड़ा पैसे ने इनवॉल्व ने। वो सिर्फ एक एकड़ जमीन का कब्जा सौदा सीगा, 30 मरले का सौदा सीगा, 30 मरले का 1.5 लाख होया सीगा, हजे उहदे पूरे पैसे नहीं मिले हैगे, पर लेकिन उहदी जिहड़ी जदों उहनूं उस जमीन नूं जदों डिपार्टमेंट पैसे देगा उस जमीन दे जिहदे 1.5 लाख सौदा होया, तां 1.88 करोड़ रुपया बनता सरकारी रेट बनता, यानी कि तुसीं लाओ भी 1.25 करोड़ का कपड़ा गा। यह जिहड़ा रीहैबिलेशन एंड रीसैटलमेंट लैंड एक्ट हैगा, रीहैबिलेशन एंड लैंड सैटलमेंट एक्ट 2013, वो तहत इन्ना मुआवजा उन्होंने मिलना ही मिलना सीगा जेकर कितने मालिक वो होंगी। जे उन्होंने सारी गल का पता होंगे, जे वो भोली भाली ना होंगी तो वह क्यों ना 1 महीने या 10 दिन वेट कर दी, सो वेट कर सकती सी। सो इतों पता लगता कि ये माफिया गा, लैंड माफिया गा, वो आम भोले भाले उन्होंने लोगों जिन्हों कानून का नहीं पता, जिन्होंने इस गल का नहीं पता कि इतने सड़क बननी है या नहीं बननी, ये स्कैम हो रहा है। ये जिस जिन्नी भी जड़िया इस तो बिना
जिन्नियां भी पंजाब जमीना अक्वायर हो रही जिथे जिथे भी हो रही ने उत्थे उत्थे लैंड माफिया पहला जाके सरगर्म हुंदा गा भोले भाले लोगों को ट्रैप करदा गा उन्हां नूं लुटदा गा। हुण देखना यह होवेगा कि गुरप्रीत कांगड़ आम आदमी पार्टी वालों लगाए गए इल्जामां ते की सफाई पेश करदे ने। फेस मास्क मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री कैपेसिटी 500,000 मास्क पर डे 2 and 3 ply डिस्पोजेबल फेस मास्क 3-ply disposable face mask with nose wire RN95 respirator face mask adjustable nose piece for ultimate comfort for bulk order and more information www.risley.org